गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग। तो बच्चों का मन था कि लंच में तिकोन वाला पराठा और आलू की भुजिया ले जाने का। तो फिर क्या था, मैं मॉर्निंग में जब उठी तो फ्रेश होने के बाद मैंने उनके लिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और आलू की भुजिया और तिकोन वाला पराठा मैंने दोनों बच्चों के लिए बनाया। और मुझे भी थोड़ा सा आज रिलैक्स फील हुआ। और एक दिन पहले ही मैं बच्चों के साथ डिस्कशन कर लेती हूँ कि आप लोग को नेक्स्ट डे लंच में चाहिए क्या, तो वो लोग अपनी जो पसंद होती है वो बता देते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो उन्होंने बताया था कि मम्मा एक पैकेट छोटा वाला मिक्सर भी दे देना लंच में। तो मैंने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, कभी कभी बच्चों को देना चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है खाने पीने में और लंच भी फिनिश करके आते हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने उनके लंच में आलू की भुजिया, तिकोन वाला पराठा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे, और उसके साथ मैंने नमकीन जो कि एक दिन पहले ही मैंने मंगा लिया था, तो छोटू सा पैकेट उसका एक एक उन लोग के लंच के साथ मैंने डाल दिया। और उसके बाद बनाना फ्रूट्स में था मेरे पास, तो मैंने एक एक बनाना भी उनके लंच में साथ में दे दिया। आप क्या क्या लंच में देते हो अपने बच्चे को मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, और इस तरह की ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।